प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जिला चिकित्सालय में 1.5 करोड़ की लागत से तैयार 10 बेड के डायलिसिस केंद्र का उद्घाटन बटन दबाकर किया तथा डायलिसिस केंद्र में जाकर मरीजों से मुलाकात की तथा चिकित्सकीय व्यवस्था की विधिवत जानकारी प्राप्त की और चिकित्सकों को निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर इलाज सुनिश्चित हो सके, किसी तरह की उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए। डायलिसिस केंद्र की निर्माण एजेंसी हेरिटेज हॉस्पिटल लिमिटेड वाराणसी है, जिसमें प्रतिदिन 60 मरीजों का डायलिसिस हो सकेगा। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालय में सरकार डायलिसिस केंद्र की स्थापना करेगी। उन्होंने कहा, किडनी रोगियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए निःशुल्क डायलिसिस की व्यवस्था से रोगियों को अत्यंत सुविधा मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत स्वास्थ्य के क्षेत्र में आजादी के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जनता कल्याण हेतु एक महान उपलब्धि है। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 50 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को योजना का लाभ दिलाकर बेहतर चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। लोकार्पण अवसर पर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, संत प्रसाद, महापौर सीताराम जायसवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मंडलायुक्त अमित गुप्ता, CDO अनुज सिंह, SSP शलभ माथुर एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बाहर मशीन लगा देते हैं, अभी लगा देंगे। की बहुत भीड़ थी तो हमने गोरखपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में NHM के अंतर्गत निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने की इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। 10 यूनिट यहां पे डायलिसिस की लगाई गई हैं। एक बार में 10 पेशेंट और एक दिन में 60 पेशेंट इस योजना से लाभान्वित होंगे। डायलिसिस से संबंधित तो जितनी भी औपचारिकताएं होंगी सब निःशुल्क होंगी। मरीजों का चयन ऑनलाइन CMS के स्तर पर एक कमेटी करेगी। यह अपने आप में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। किडनी की बीमारी को ध्यान में रख करके भारत सरकार के सहयोग से हर जिला स्तरीय हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ इस देश के प्रत्येक गरीब को
निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो। आयुष्मान भारत के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ से अधिक लोग, 6 करोड़ से अधिक लोग यानी 1 करोड़ 18 लाख परिवार और पूरे देश के अंदर 10 करोड़ परिवार यानी 50 करोड़ नागरिक 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा 1 साल के कवर से आच्छादित हो रहे हैं। एक अभिनव योजना है, पूरे देश की सबसे बड़ी आयुष्मान की सबसे बड़ी योजना है। आरोग्यता की इससे बड़ी योजना दुनिया के अंदर कहीं नहीं है। हमें विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता के कारण, गरीबों के प्रति प्रधानमंत्री जी की संवेदना के कारण जो ये कार्य आज डायलिसिस के उद्घाटन का यहाँ पर हो रहा है आयुष्मान NHM के अंतर्गत और आयुष्मान भारत के अंतर्गत, इसके अतिरिक्त 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा का कवरेज दिया जा रहा है। यह एक अभिनव स्वास्थ्य बीमा का कवरेज है। हर गरीब को अपने स्वास्थ्य के बारे में 5 लाख की 1 वर्ष के लिए बीमा कवर की सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। अपने आप में हर व्यक्ति, हर गरीब भी अपना उपचार अच्छे हॉस्पिटल्स में करा पाएगा। यह आज़ादी के बाद की देश की भी और दुनिया की भी सबसे आधुनिक, सबसे बड़ी और सबसे अच्छी आयुष्मान और आरोग्यता की योजना है।